अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जावेद पब्लिशर्स। आज हम किड्स साइंस ग्रेड 5 के यूनिट नंबर 7 इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के कुछ मजीद टॉपिक को डिस्कस करेंगे, तो चलिए चलते हैं। टाइप्स ऑफ मैग्नेट, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स, टेम्प्रेरी मैग्नेट्स, परमानेंट मैग्नेट्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। नाम से ही आपको पता चल रहा है, टेम्प्रेरी मैग्नेट्स जो थोड़े टाइम के लिए मैग्नेट्स होते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को जो है रिटेन करके रखते हैं। परमानेंट मैग्नेट्स जो मैग्नेट्स ही होते हैं, अगर आप उनके पास कोई भी मेटल, आयरन या फिलिंग्स लेकर आएँ, वो तब अपनी जो है वो क्वालिटी को दोबारा रिटेन ना करें, बल्कि उनके अंदर पहले से मौजूद हों। द टेम्प्रेरी मैग्नेट रिटेन देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ओनली फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ऑन द अदर हैंड, द परमानेंट मैग्नेट रिटेन देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, इवन इफ दे ब्रेक इनटू टू पार्ट्स, ईच पार्ट एक्ट एज अ मैग्नेट इंडिपेंडेंटली। जी, यहाँ पे उन्होंने कहा है टेम्प्रेरी मैग्नेट जो होते हैं, एक बार उनकी मैग्नेटिक विसिनिटी ख़त्म हो गई तो वो मैग्नेट नहीं रहते, जबकि परमानेंट मैग्नेट वो हमेशा अपने अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को जो है वो रिटेन करके रखते हैं। अगर मैग्नेट दरमियान से टूट भी जाए तो वो दोनों इससे जो हैं वो एज अ मैग्नेट जो है वो एक्ट करते हैं। नोट दैट ओनली मैग्नेटिक मटीरियल्स कैन बी टर्न इनटू मैग्नेट्स। द टेम्प्रेरी मैग्नेट्स आर यूजुअली मेड ऑफ आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। द परमानेंट मैग्नेट्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिक्सचर्स ऑफ आयरन, कोबाल्ट और निकल विद अदर एलिमेंट्स। आपने इस बात को नोट करना है कि मैग्नेटिक मटीरियल जो है सिर्फ वो ही मैग्नेट में कन्वर्ट हो सकते हैं। टेम्प्रेरी मैग्नेट्स की उन्होंने आपको एग्जाम्पल्स बताई हैं, आयरन, कोबाल्ट और निकल, जबकि परमानेंट जो मैग्नेट्स हैं उनके एग्जाम्पल्स हैं आयरन, कोबाल्ट और निकल विद अदर मेटल्स। नाउ मूव ऑन टू इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। वी कैन ऑल्सो मेक अ मैग्नेट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मैग्नेट्स फॉर्म ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी आर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। दिस फेनोमेना ऑफ प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिज्म ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर टेम्प्रेरी मैग्नेट्स। सो इलेक्ट्रोमैग्नेट इज काइंड ऑफ अ टाइप ऑफ टेम्प्रेरी मैग्नेट। अगर हम मैग्नेट को एक रन करवाएं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देन दैट काइंड ऑफ मैग्नेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये हम इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ करते हैं। नाउ देयर इज एन एक्टिविटी, टेक एन आयरन नेल, आप एक कील लें, वाइंड अ कॉपर वायर अराउंड द नेल। उस कील के इर्द गिर्द आपने कॉपर की वायर को जो है वो रोल करना है, रैप करना है। कनेक्ट द टू एंड्स ऑफ द कॉपर वायर विद द ड्राई सेल, और फिर उस नेल की जो दोनों वायर्स हैं वो आपने एक सेल या बैटरी के साथ कनेक्ट कर देनी है। वन एंड टू पॉजिटिव टर्मिनल एंड सेकेंड एंड टू द नेगेटिव टर्मिनल। द करंट विल पास थ्रू द नेल एंड द वायर। द नेल विल बिहेव एज अ मैग्नेट एज लॉन्ग एज द करंट फ्लो थ्रूज इट। द नेल लूजेज इज मैग्नेटिज्म वेन द सेल इज डिसकनेक्टेड विद द वायर। सच मैग्नेट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। अब आपने उस जैसे ही आप बैटरी को ऑन करेंगे तो नेल के अंदर जो है वो करंट फ्लो करना शुरू कर देगा, और उस करंट की वजह से वो नेल जो है एज अ मैग्नेट काम करेगा। लेकिन जैसे ही आप पावर सप्लाई बंद कर देंगे, एक वायर उस सेल से निकाल देंगे, तो मैग्नेट जो होगा वो अपनी मैग्नेटिज्म, वो जो नेल जिसको हमने मैग्नेट के तौर पे एक्ट करवाया है, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई है, जब इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो ब्रेक डाउन हो जाएगा तो वो भी एज अ मैग्नेट एक्ट नहीं करेगा। तो इस तरह के मैग्नेट को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं, और ये टेम्प्रेरी होते हैं फॉर द टाइम बीइंग। नाउ मूव ऑन टू की पॉइंट्स। Electricity is one of the most useful forms of energy which can be easily converted into heat, light or sound. Static electricity results from an imbalance between negative and positive charges in objects, for example electricity produced by combing the hair. Number 3, the materials that do not allow electricity to pass through them are called insulator. The examples are paper, plastic, rubber, glass and air. The materials that allow electricity to pass through them are called conductors. The examples are silver, copper, steel, iron and aluminium. Flow of electrons is called an electric current. The electric current flows from the positive terminal through the wire to the negative terminal. Electricity travels in a path called circuit. A circuit consists of electric sources, electric appliances, metal wire and a switch. A fuse is used to protect the circuits from short-circuiting or overloading of the circuit. It goes off automatically in case of danger. Any substance that has the ability to attract metal is called a magnet. Examples are iron, nickel or cobalt. ये वही key points हैं। इसके जो main sentences जो हैं, जो इस चीज़ का निचोड़ हैं उस पूरे topic का, वो आपको यहाँ बताए गए हैं। ये हम already पढ़ चुके हैं। Move on to page number 70. The phenomena by which magnets attract certain substances is called magnetism. A magnet compass is used to find the directions. For example, pilots use compass to trace the direction of their airplane. The two ends of the magnets which have strong magnetic force are called poles of the magnet. The same poles of two magnets repel each other, while opposite poles attract each other.
There are three types of magnets: temporary, permanent, and electromagnets. The temporary magnets retain their magnetic properties only for a short period of time, while permanent magnets retain for a long period of time. The phenomenon of producing magnetism due to electricity is called magnetism. Keep watching. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. जुड़े रहिए बोलती किताबों.